सुधा सिंह। आप लोग क्यों यहाँ धरने में बैठे हुए? हम जनपद फतेहपुर सुधा सिंह, हम इसलिए आए हैं कि उस बार हमारा जो धरना हुआ था, सरकार ने हमको कहा कि आप लोग अपने विद्यालय जाइए, धरना स्थगित कर दीजिए और हम तुम्हारे उसमें कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य लेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। लेकिन सरकार आज तक हमारे विषय में कुछ नहीं सोची, ना कुछ उसने कहा कि हम तुम्हारे किस, लेकिन हम लोग धरना स्थल से तब तक नहीं टरेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमको शिक्षक पद का दर्जा नहीं मिल जाता और हम शिक्षक पद पे थे और रहेंगे और सरकार हमको ये दे पद, तब तक हम इस धरना स्थल से नहीं हटेंगे। आपका क्या कहना है? 15 दिन का सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को समय दिया था और वो समय पूरा हो गया है। इसके बाद हम लोग दोबारा अपने बिरादरी के चटाई में दोबारा संघर्ष करने के लिए मजबूर हुए हैं, इसलिए हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं कि जब हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी की के तक आवाज़ पहुँचे और वो लोग हमारी मांगे माने। आप कितने दिनों से शिक्षा मित्र हैं? हम लोग कम से कम 12 साल हो गए हम लोगों को शिक्षा। नहीं, हम लोगों को 17 साल हो गए, 17 साल 2001 की मेरी ज्वाइनिंग है, जब हम लोग 2200 रुपए में काम कर रहे थे तब हम योग्य थे। आज अगर हम फिर वही 3500 रुपए में अगर काम करने लगे तो क्या सरकार के लिए हम योग्य हो जाएंगे? तो पैसा बचाने के चक्कर में सरकार हमको और राजनीति के चक्कर में हमारा गला रेत रही है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते सरकार के और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अगर चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, कोई भी अगर कोई सरकार अगर हमारे साथ गलत की है तो यही सरकार आकर के हमारा कुछ बना देती तभी इसकी वो थी। और जब ये सरकार हमारा कुछ, जब तक हम इस धरना स्थल से नहीं हटेंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपना हक लेके यहीं से जाएंगे। यही